हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम इन सर्च मी ऑल इन वन दुनिया। आपका आप ही के चैनल में स्वागत है जी। तो आज हम बात करेंगे वैकेंसी के बारे में जिसका नाम है आर्मी स्कूल में वैकेंसी निकली है। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह की वैकेंसी है, क्या कैसे अप्लाई कर सकते हो, लास्ट डेट, फीस, डिटेल, एवरीथिंग, सब कुछ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, ये जो वीडियो है वो आपके इंफॉर्मेशन पर्पज़ से हैं। अगर आप इस तरह की वीडियो और चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और रेगुलर अपडेट के लिए जी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट और आपको बताते हैं वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल जी। जो नौकरी के लिए तलाश कर रहे थे या जिन जो आर्मी स्कूल में अप्लाई करना चाहते थे उनके लिए अच्छी खबर है। वो चाहे TGT, PGT टीचर्स के लिए वैकेंसी निकल चुकी है और उनके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। और पदों के लिए जो एज फाइनल की गई है वो 57 है, 57 तक के पर्सन अप्लाई कर सकते हैं। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट AWESIndia.com पर जाकर 10 सितंबर से पहले पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो परीक्षा होगी वो 30 सितंबर से 1 अक्टूबर तक रहेगी और जो सिलेक्ट होगा एग्ज़ाम में उसके मेरिट के आधार पर पोस्टिंग की जाएगी। सैलरी की बात करें तो सैलरी इसमें 34,000 से लेकर 47,000 तक सैलरी है। योग्यता की बात करें तो इसमें आपके पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, प्लस बीएड होना भी ज़रूरी है। पीजी प्लस बीएड, पीजी इन 50%। और इसके बाद इसके साथ साथ जबकि जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हैं उनके उनको बीएड प्लस ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। जो ऑलरेडी पोस्टेड हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की पोस्ट पे उनके लिए पीजी जरूरी नहीं है, बीएड प्लस ग्रेजुएशन वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी आप पढ़ सकते हैं सिलेक्शन कैसे होगा। सिलेक्शन रिटर्न एग्ज़ाम और इंटरव्यू के आधार पे होगा। जिनका इंटरव्यू फाइनल होगा या क्लियर होगा उनके मेरिट के आधार पर पोस्टिंग की जाएगी, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जाएंगे और पोस्टिंग मिलेगी। एज की बात करें तो एज इसमें जनरल के लिए 21 से 57 साल और बाकी अदर कैटेगरी के लिए रिलैक्सेशन दी गई है। फीस की बात करें तो इसमें फीस आपको सभी वर्गों के लिए फीस पे करना होगा 385 और जो फीस होगी वो ऑनलाइन से आपको पे करना रहेगा। अप्लाई कैसे करना है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, ऑनलाइन स्क्रीनिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन आपको दिखाएं तो ये नोटिफिकेशन है, इसमें आप देख सकते हो ऑनलाइन स्क्रीनिंग का, रेगुलर कैंडिडेट या फिक्स टर्म कैंडिडेट, इंटरव्यू और लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, एज एंड एक्सपीरियंस क्राइटेरिया ऑफ कैंडिडेट, ये सब दिया गया है। अदर्स, एग्ज़ाम सेंटर रिजल्ट, रजिस्ट्रेशन, मॉक क्वेश्चन, एडमिट कार्ड जी, तो ये सब दिया गया है। लिस्ट ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल के बारे में डिटेल दी गई है, तो यहाँ पे आप आके देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। और उसके बाद ये इनके ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर जाके आपको सिलेक्ट करना है फॉर रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, उसके क्लिक करोगे तो ये कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है तो लॉगिन, न्यू कैंडिडेट है तो पहले आपको इंस्ट्रक्शन पढ़नी है और इसके डाउनलोड सैंपल पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम यूज़र हो तो रजिस्टर करना है, आइडेंटिटी बनानी है अपनी, तो जिसमें आपकी पर्सनल डिटेल पूछेगा, फिर एजुकेशनल, फिर फॉर्म सबमिट करना है और फिर आप अप्लाई कर सकते हैं जी। तो ये थी बेसिक डिटेल वैकेंसी से रिलेटेड। होप सो ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर कर सकते हैं। अगर कुछ पॉइंट मिस हुआ है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था, थैंक यू फॉर वॉचिंग।